दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में होली के शुभ अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय संघ एवं ऑल इंडिया द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन व दुर्गा सप्तशक्ति फाउंडेशन द्वारा होली मिलन समारोह एवं महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कमल जय सहरावत लोकसभा सांसद प्रत्याशी, रामनिवास गहलोत निगम पार्षद, अशोक शर्मा निगम पार्षद, अशोक सुकंदा बीजेपी जिला अध्यक्ष नजफगढ़, रोबिन शर्मा मंत्री परिषद महासचिव व एडीआरएफ जनरल सेक्रेटरी, निधि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एडीआरएफ, गुरजीत संजीव गोयल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तेजस चतुर्वेदी राष्ट्रीय महामंत्री, अंजना दहिया, प्रोमिला मलिक, पूनम बाबू, रेखा जिंगन, सुतापा बनर्जी, स्नेहा वशिष्ठ, सुमन फाउंडेशन की फाउंडर अंजलि, मनु सिंह तोमर व कार्यक्रम में बीटीएसएस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाया। महिलाओं को समाज में बेहतर व सामाजिक कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। दुर्गा सप्तशक्ति फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया और होली की शुभकामनाएं दी। अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होली मिलन और राधा कृष्ण की झांकियां प्रस्तुत की गई। जब हमारी टीम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। आज का प्रोग्राम ये दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन और भारत तिब्बत समन्वय संघ और एडीआरएफ के लोग सबने ऑर्गेनाइज कराया था। ये प्रोग्राम हमने कमल जी दी के लिए रखा था क्योंकि हम और ज्यादा ही महिला सम्मान में था, क्योंकि हमारे बीच में एक महिला शक्ति आ रही है। वो इतनी सशक्त है कि आज वो इतने बड़े मुकाम में पहुंची हैं। मोदी जी ने उन्हें चुना है। ये हमारे लिए, हम सारी नारी शक्ति के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि इस एरिए से आज तक कोई महिला शक्ति सांसद के लिए प्रत्याशी नहीं चुनी गई थी और एक कमल जी दी है जिनको चुना गया, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया होगा जो इस लेवल पर पहुंची हैं। और मैं उनके साथ और मेरी टीम पूरी उनके साथ है। और मैं द्वारका की जितनी भी महिला शक्ति हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि दीदी को विजय बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए, क्योंकि दीदी जो है कमल जी दी बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं और आज तक उन्होंने जो मेहनत करी है उसी का परिणाम आज उनको मिला है। तो ऐसी सशक्त और इससे प्रेरणा भी मिलती है कि आज उन्होंने इतना कुछ किया है, यहाँ पे पहुंची है, तो हर महिला के अंदर वो शक्ति है तो वो पहुंच सकती है। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।